नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलॉग्स इंडिया की 4 मिनट सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज मैं कुछ ज़रूरी टिप्स देना चाहता हूँ अपने टू व्हीलर को बिना दिक्कत सुबह स्टार्ट करने के लिए। तो जब भी आप घर पे आकर गाड़ी लगाएंगे अपनी, तो उसे साइड स्टैंड पर कभी मत लगाइए, क्योंकि जब भी गाड़ी साइड स्टैंड पर बहुत देर खड़ी होती है तो उसमें पेट्रोल ब्लीडिंग होता है, यानी कि पेट्रोल इंजन ऑयल के अंदर चला जाता है और उसके वजह से सुबह आपको गाड़ी स्टार्ट करने में अच्छी खासी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी डबल स्टैंड पर लगाई है और आप भी हमेशा इसे डबल स्टैंड पर लगाइए। दोस्तों, गाड़ी आप जब भी डबल स्टैंड पर लगाएंगे तो उसके वजह से आपको सुबह स्टार्ट करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर पेट्रोल ब्लीडिंग हुआ तो इसे आपको 100-200 तो किक मारने पड़ते हैं या फिर सीधा आपको गैराज में जाना पड़ता है, क्योंकि ये गैराज के सिवा कहीं शुरू नहीं होती और इसे पूरी तरह से खोल कर गैरेज वाले आपको ठीक करवा के दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप सुबह गाड़ी को अपने चाबी लगाएंगे तो उसके बाद आपको 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड रुकना है, ताकि इसमें का जो पेट्रोल है, इसके पंप का जो पेट्रोल है, वो पूरी तरह से इंजन में चला जाए। और यहाँ पर आपको किक स्टार्ट करनी है पहली। तो जब ही आप किक स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको किक मार के दिखा रहा हूँ, ये पूरी तरह से ऐसे नीचे जानी चाहिए। तो एक झटके में गाड़ी चालू हो जाती है और ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो जब भी आप गाड़ी शुरू करेंगे तो पहली बार आपको 5 से 10 सेकंड रुकना है जगह पर ही, गाड़ी के इंजन को वार्म अप होने देना है और उसके बाद ही एक्सीलेटर को बढ़ाना है इस तरीके से, और उसके बाद आपको यहाँ से बाहर निकलना है, यानी कि आपके इंजन की लाइफ अच्छी रहेगी और गाड़ी एकदम कंडीशन में मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों, इसका स्कूटी रिव्यू का पार्ट 2 मैं जल्द ही इस चैनल पर लाने वाला हूँ, तो उसके लिए इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तक पहुँचाइए, और 100 लाइक्स होने के बाद मैं इसकी अगले पार्ट की वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, जो है स्कूटी रिव्यू की पार्ट 2 वीडियो, और उसमें मैं दिखाने वाला हूँ इसकी राइड क्वालिटी और बाकी की कुछ चीज़ें। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकॉन भी दबाइए। यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।